लॉकडाउन की गाइडलाइन की पालना के लिए पीएम से सीएम तक अपील कर रहे हैं। वहीं मस्जिदों की बजाय रोजों में घर पर ही नमाज अदा करने की मुफ्ती और मौलवी अपील कर रहे हैं, लेकिन जोधपुर में फिर भी मुस्लिम समाज के युवा नहीं मान रहे हैं। उदय मंदिर थाना क्षेत्र स्थित एक मस्जिद में 20 से अधिक लोगों के एकत्रित होकर नमाज अदा करने की सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी को खदेड़ा और भविष्य में ऐसा नहीं करने की हिदायत भी दी। पुलिस के मुताबिक कुछ लोग एक मकान की दूसरी मंजिल पर सामूहिक नमाज अदा कर रहे थे, जिन्हें हिदायत देकर हटा दिया गया है। जी सर बताए। आज मुखबिर इतला मिली थी उदय मंदिर अलका में कहीं कोई इकट्ठे होकर 15-20 आदमी नमाज पढ़ रहे हैं और लॉकडाउन की ध्वजियां उड़ा रहे हैं, तो मौके पर पहुंचे तो 20-25 लोग नमाज पढ़ते पाए गए और लॉकडाउन का उल्लंघन किया। इस कारण वहां पर पहुंचकर हमारे पास जो जाब्ता था उनकी सहायता से सबको भगाया गया और हिदायत दी गई कि आइंदा कोई भी इकट्ठे होकर इस तरह नमाज नहीं पढ़े और लॉकडाउन की पूर्ण पालना करें।